वीर हमेशा अड़ा रहा रण में हुंकार मचाने को, नहीं कदम पीछे हटता चलता आगे बढ़ जाने को, संकट की घड़ियों में चलता श्रौणित का अंगारापन, शत्रु की छाती चीर समर में, शत्रु की छाती चीर समर में हाहाकार मचाने को। मैं बोलता हूं और उसके साथ में मेरा तेवर भी बोलता है। बहुत स्पष्ट सी स्थिति है, सीमा पार से आकर के जब आतंकवादी इस देश की सेना के ऊपर हमला कर जाते हैं तब मेरे जैसे एक नौजवान का खून खौलता है, और जब खून खौलता है तो वो अपनी पंक्तियों के माध्यम से उत्तर देता है, और सुन ले पाकिस्तान के वो सारे के सारे आतंकवादी, एक बार नहीं दो बार नहीं सौ बार, एक बार नहीं दो बार नहीं सौ बार, बार बार भारती का गान गाया जाएगा, एक बार नहीं दो बार नहीं सौ बार, बार बार भारती का गान गाया जाएगा, भारत की एकता अखंडता के मान हेतु आतंकियों के हौसलों को तोड़ा जाएगा। बुद्ध और गांधी की अहिंसा के पुजारी हैं, बुद्ध और गांधी की अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन अब हाथों में गांडीव लिया जाएगा, और अगर आतंकवादी ना भाज रहे हरकतों से छाती चीर उनकी तिरंगा गाड़ा जाएगा, छाती चीर उनकी तिरंगा गाड़ा जाएगा। ये मेरा तेवर होता है, बीमार हूं ये बात सही है, इस वजह से कुछ पंक्तियां मैंने नहीं लिखी, और युवाओं में वो आक्रोश भरने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ती है मुझे तब कहना चाहता हूं कि सीने के पिघले लोहे को फौलाद बनाना है, सीने के पिघले लोहे को फौलाद बनाना है, जो लहू जम गया है रग में उसको खौलाना है, सुप्त नहीं होने देना है मन के उठते ज्वारों को, सुप्त नहीं होने देना है मन के उठते ज्वारों को, विराट बनाना ही होगा इन शौर्य गरीब तलवारों को, अनियारों से जा टकराओ हाथों में थाम मसाल, अपनी ताकत से ऊंचा कर दो भारत मां का भाल, थम जाएगा राखों के ढेरों से उठा द्वार, सीने की ज्वालाओं को करना होगा अंगार, सीने की ज्वालाओं को करना होगा अंगार। तब कुछ पंक्तियां और निवेदित करता हूं, सीधी सीधी चेतावनी दुनिया के उन आतंकवादी संगठनों के लिए जिन्होंने मासूमों को मौत बांटने का ठेका ले रखा है, सीधी चेतावनी, मान ले जमातुल दावा, मान ले जमातुल दावा, मान ले लश्कर तैयबा, और मान ले वे आतंक का हर एक निशान, बचपन से शेर के हम दांत गिनते आ रहे हैं, अतीत का तारा है वीरता का यही गान, भाड़े के टट्टुओं से युद्ध लड़ने वाले सुन ले, भाड़े के टट्टुओं से युद्ध लड़ने वाले सुन ले, दुनिया में एक इंच भी नहीं मिलेगा नामो निशान, और एक नहीं तो नहीं हजार टुकड़े तेरे होंगे, एक इंच दुनिया में नहीं मिलेगा पाकिस्तान, एक इंच दुनिया में नहीं मिलेगा पाकिस्तान। कश्मीर में लिप को लेकर के कितनी सारी बातें, कितने सारे तेवर पाकिस्तान के इस तरह से खड़े हो जाते हैं, इस तरह से कश्मीर में पत्थरबाजी हो जाती है, और अलगाववादी और आतंकवादी इस तरीके से हमारे लिए चुनौती पेश करते हैं, तब मुझे कहना पड़ता है उस कश्मीर के लिए कि एक इंच टुकड़ा भी नहीं देंगे उस कश्मीर का। और अगर मेरी पंक्तियां आप सभी के दरवाजों पर ठक 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 करती हुई दस्तक दे तो मैं ये चाहूंगा पूरा वातावरण भारत माता के नारों से जयकारित हो। मैं बोलता हूं आज मान ले नहीं तो कल मानना पड़ेगा, आज मान ले नहीं तो कल मानना पड़ेगा, अब भारती का चीर लेने नहीं देंगे हम, आज मान ले नहीं तो कल मानना पड़ेगा, अब भारती का चीर लेने नहीं देंगे हम, बहुत सह लिया आतंकियों को दहशत को, ना दूध पानी नहीं कोई खीर देंगे हम, ना दूध पानी नहीं कोई खीर देंगे हम, अगर जमीने हिंद पर कोई बुरी नजर उठाई इस बार तुझे चीर फाड़ देंगे हम, और चुवान खींच डालेंगे आतंकियों की सरेआम, एक इंच टुकड़ा कश्मीर नहीं देंगे हम,
पंक्तियां निवेदित करता हूं, ये मेरा राष्ट्र है और ये राष्ट्र परंपराओं का राष्ट्र है, उन परंपराओं का राष्ट्र जहां इस राष्ट्र में तीन तीन पीढ़ियां शहादत दे देती है। तब चार पंक्तियां, मेरी अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं कि कितनी ही कोशिश करे ये पाकिस्तान वाले, कितनी ही कोशिश करे ये पाकिस्तान वाले, इसका वजूद अपने आप मिट जाएगा। सबको पता है मात भारती है आन मेरी, भारती के लिए तेरा लाल कट जाएगा। आखिरी भी सांस जब तक रहेगी प्राण मेरे, आखिरी भी सांस जब तक रहेगी प्राण मेरे, तेरा यही बेटा शत्रुओं से लड़ जाएगा। और या तो तेरा बेटा चलाएगा तिरंगा लड़ो, या तो ये तिरंगा सीमा पार गड़ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था माइक लेके तुम्हारे बीच में नहीं आया, बहुत बढ़िया कविता पढ़ के गया। ये तो जब है ना बीमार है। चाहता हूँ कि जिस तरीके से शुरुआत हुई है, आगाज हुआ है, अंजाम इससे भी बेहतर हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मिनट इधर देख। हाँ।